15 साल बाद सौम्या को इंसाफ। साकेत कोर्ट ने पत्रकार सौम्या हत्याकांड में सजा का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने दोषियों को मकोका के तहत सजा सुनाई है। और आपको बता दें कि पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हत्या कर दी गई थी। देखिए ये रिपोर्ट। पत्रकार सौम्या हत्याकांड में सजा का ऐलान। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सुनाई सजा। आरोपियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने दोषियों को मकोका के तहत सुनाई सजा। 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी हत्या। 15 साल बाद मिला न्याय। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में आरोपियों को उनकी करतूत की सजा दे दी गई है। दरअसल दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। बता दें कि सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय पर 1,25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि सभी दोषियों को मकोका के तहत सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि दिल्ली की महिला पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी। तब सौम्या नाइट शिफ्ट करके दफ्तर से अपने घर लौट रही थी। पुलिस को सौम्या की लाश उनकी कार में मिली थी। इस मर्डर केस की सबसे खास बात यह है कि इसका खुलासा करने में पुलिस को करीब 6 महीने का समय लग गया था। पुलिस ने किसी दूसरे हत्याकांड में आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने सौम्या की हत्या की बात भी कबूल की थी। जानकारी के मुताबिक सुनवाई के दौरान सौम्या की मां से जज ने पूछा कि कुछ कहना है। इस पर पीड़िता की मां ने कहा कि 15 साल बाद न्याय मिल जाए। मेरे पति आईसीयू में भर्ती हैं और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद साकेत कोर्ट ने चारों दोषी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत सौम्या की हत्या का दोषी करार दिया। जबकि पांचवें आरोपी अजय सेठी को हत्या का दोषी नहीं बल्कि लूट का माल अपने कब्जे में रखने का दोषी माना गया। इसके चलते अजय सेठी को आईपीसी के सेक्शन 411 के तहत दोषी करार दिया गया। बता दें कि चारों दोषियों को दोनों मामलों में अलग अलग उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों उम्र कैद एक के बाद एक चलेगी। हत्या में 25-25 हजार रुपए और मकोका में 1-1 लाख रुपए अर्थ दंड भी लगाया गया है। यानी चारों को डबल उम्र कैद और 1.25 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र पांडे ने सजा सुनाते हुए कहा कि सौम्या की हत्या के अपराध में चारों दोषियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार का अपराध दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है, लिहाजा मृत्यु दंड नहीं दी गई है। हालांकि कोर्ट ने महिलाओं के कार्यस्थल और रात शिफ्ट आदि के दौरान सुरक्षा पर चिंता जताई। अमित शुक्ला को उम्र कैद और 1.25 लाख रुपए आर्थिक दंड, बलजीत मलिक को उम्र कैद 1.25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। वही जुर्माना ना देने पर 6 महीने अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है। अजय सेठी को 3 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि वह पहले से ही जेल में बंद है तो उसकी सजा पूरी हो गई है, यानी वह जेल से बाहर आ सकेगा। बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने पहले भी रवि कपूर को जिगीसा घोष हत्याकांड में मृत्यु दंड दिया था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।